जय शिव गुरु। घर का खाना वित आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बथुआ का साग मसाला वाला बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। बथुआ को सबसे पहले अच्छा से साफ करके पानी से धो लेंगे दो तीन बार। तो ये बथुआ हमारा अब साफ हो गया है, इसे साग बना लेंगे। साग बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, मसाला वाला साग बनाएंगे। थोड़ा सा धनिया रखेंगे, साबुत जीरा, लाल मिर्च, पीला सरसों, पानी रख के ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे, टमाटर को भी हम इसी में मिक्स करके ग्राइंड कर दिए हैं। साग बनाने के लिए हमने बर्तन लिया, आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में बनाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम इसमें सरसों तेल रखेंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। पीला सरसों रखेंगे, थोड़ा सा सौंफ रखेंगे, साबुत जीरा, आलू प्याज दोनों एक साथ ही रखेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, इसे प्याज जल्दी भुना जाएगा। प्याज, बैंगन और आलू पूरा अच्छा से भुना गया है, अब मसाला ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, अब पेस्ट को मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर रखेंगे, गोल मरीच पाउडर रखेंगे, आमचूर पाउडर रखेंगे। मसाला पूरा अच्छा से भुना गया है, अब इसमें हम बथुआ ऐड करेंगे। मसाला के साथ बथुआ को मिक्स कर देंगे। थोड़ा देर के लिए बथुआ को हम ढक देंगे, अब चेक कर लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, अब फिर से ढक देते हैं। साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। बथुआ का मसाला वाला साग बहुत टेस्टी लगता है, आप गैस को ऑफ कर देंगे। बथुआ, आलू और बैंगन का मसाला वाला साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।